Very good morning to all of the students of class 12th RBSC English Literature. So here we begin page number 11th. Harry said that he did not care for the old man's pieces. जब यहाँ पर जो कैप्टन हेडबर्ग की जो झोपड़ी है उनकी वो हैरी खिल्ली उड़ाता है और बेसिक को ये कहता है कि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी में वो झोपड़ी और दो कोठड़ियां जुटा रखी हैं, उसको इस बूढ़े आदमी की यानी अपने पिता की संपत्ति से कोई दिलचस्पी नहीं है। ही हैड कम नियरर एंड टावर्ड अबव हर ऑन द अदर साइड ऑफ द रेलिंग्स। लेकिन ये सारी बातें करते करते अचानक जो हैरी होता है वो धीरे धीरे करके आहिस्ता से बेसिक की तरफ बढ़ता है और रेलिंग के दूसरी पार की तरफ से ही भले लेकिन वो हल्का सा उसकी तरफ झुक जाता है। ही ग्लैंस हैंड्स, वो धीरे से उसके हाथों की तरफ झांकता है, नजर डालता है एंड फैंसीड दैट शी वाज ट्रेमलिंग, और बड़ा उसे आश्चर्य होता है देख के कि बैसी उसकी नजदीकी की वजह से कांप रही थी। हर रैप हैड स्लिप्ड ऑफ हर हेड, उसने जो दुशाला यानी जो स्कार्फ ओढ़ रखा था वो उसके सर से सरक चुका था। हैरी टोल्ड बेसी नॉट टू माइंड अबाउट ओल्ड मैन, और वो ये समझाता है बेसी को कि वो कैप्टन हेडबर्ग की जो अभी पागलों वाली हालत है उसको लेकर ज्यादा परेशान ना हो क्योंकि उसे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ही सेड दैट ही कुड नॉट लोफ अबाउट द गेट टिल द मॉर्निंग, वो ये कहता है कि चलो ठीक है जो भी है मैं बूढ़े आदमी के शांत होने का इंतजार तो कर लूं लेकिन मैं क्या सुबह होने तक यहां पर पूरी रात कोई गेट के पास लड़कता थोड़ी रहूंगा। बैसी ब्रस्ट आउट एंड सैड दैट इट वॉज हिम फॉर हुम द ओल्ड मैन वॉज वेटिंग। अब यहां पर जो बिलखती हुई बैसी है वो उसको ये कहती है कि तुम तो अपने पिता की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे लेकिन ये जो बेचारा आदमी है कैप्टन हेडबर्ग ये कई लंबे सालों से तुम्हारी इंतजार कर रहा था, वो जिस बेटे का इंतजार कर रहा था वो तुम हो। इट वॉज हिम हु वॉज टू कम टुमारो, और वो ये कहती है कि तुम ही वो व्यक्ति थे, तुम ही वो कैप्टन हेडबर्ग के वो बेटे हो जो कल आने वाले थे। Apparently, Harry was pondering over what he had heard. अब इसी बीच में जब बैसी ये बात कहती है कि तुम कल आने वाले थे और उसके पिता भी ये जानते थे और ये कैप्टन हेडबर्ग ये मानते थे कि वो कल आने वाला है उनका बेटा, तो हैरी जो होता है बड़ी गंभीरता से यहां पर विचार रहा होता है कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है। विदाउट इरिटेशन बट एविडेंटली प्रिप्लेक्स्ड ही सेड दैट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड, तो भले ही वो चिढ़ता तो नहीं है लेकिन फिर भी बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर वो उसको कहता है बेसिको कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझा कि मेरे पिता ये सोचते हैं कि मैं कल आने वाला हूं। इट वॉज हिज चम हु सॉ द पेपर एंड टोल्ड हैरी दैट वेरी मॉर्निंग, वो ये कहता है कि मुझे तो अभी तक अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ आज सुबह को मेरा जो चम मेरा जो दोस्त है उसने अखबार में विज्ञापन देखा जो कैप्टन हेडबर्ग यानी मेरे पिता के द्वारा दिया गया था और उसने मुझे बताया कि इस तरीके से तुम्हारे पिता एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तुम्हारे लिए तो तुम वहां पर जाओ, और वो कहता है कि मैंने सुबह ही देखा तो मुझे कैसे पता कि मेरे पिता मेरे बारे में सोचते हैं कि मैं कल आऊंगा या कब आऊंगा। ही लिसन बेसी मटरिंग द वर्ड्स यस एंड आई सी, बीच बीच में जब वो अपनी बात कह रहा था तो वो आहिस्ता से रुककर बेसी को हाँ मैंने सुना मैंने देखा इस तरीके के जो छोटे शब्द हैं वो उसकी हां में हां मिलाते हुए सुनते हुए पाती है, यानी उसकी जो बातों का असर है वो बेसी के ऊपर कर रहा है। एंड At last he inquired, but why that day wouldn't do? वो लेकिन अंत में जाकर बैसी से सवाल करता है कि अगर मेरे पिता ही कहते हैं कि मैं कल आने वाला हूं लेकिन वो कल अगर आज आ गया है तो इसमें क्या समस्या है, वो आने वाला कल आज क्यों नहीं हो सकता। बैसी explained impatiently that he did not understand her. तो बैसी उसको कह देती है कुल मिलाकर बड़ी अधीरता के साथ कि असल में तुम मेरी बात समझे ही नहीं। Again he stooped slightly to hear better and the deep night buried everything of the whispering वुमेन एंड द अटेंटिव मैन। फिर वो थोड़ा सा और आहिस्ता से बैसी के ऊपर झुकता है उसकी बातों को और ध्यान से सुनने के लिए। ये जो दोनों आदमी और औरत, ये जो बैसी और जो वो स्ट्रेंज मैन हमारे सामने खड़े हैं जिसका नाम हैरी हैगबर्ड है, उन दोनों के बीच में जो रात का सन्नाटा है वो सब कुछ दफन कर चुका है। रात के सन्नाटे में सारी विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है। इन दोनों फुसफुसाते हुए आदमी और औरत के बीच में जो कुछ भी है उन सबको अंधेरा अपने अंदर आगोश में समा चुका है। The familiar contiguity of their faces. लेकिन कुछ चीजें हैं जो रात का अंधेरा मिटा नहीं पाया है। पहली बात, दोनों के चेहरों की नजदीकी, यानी दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं। With its air of secrecy and cares. लेकिन दोनों के चेहरों पर अजीब भाव यह है कि दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ रहस्य बना रखे हैं लेकिन दोनों ही ऐसा लगता है एक दूसरे की परवाह भी करने लगे हैं भले ही वो अभी मिले हैं। He told Bessie that he had been encouraging this funny notion tomorrow. वो बैसी को कहता है हैरी हैगबर्ग कि तुम इतने लंबे समय से इस पागल आदमी के साथ रहकर इसकी इस धारणा को पालने में मदद कर रही थी, ये कहता था कल, ये कहता था कल, तुम और उसकी बात सुनती रहती थी। She defended
डिफेंडेड हर सेल्फ सेइंग दैट शी नेवर कॉन्ट्राडिक्टेड हिम। लेकिन यहां पर बैसी अपना बचाव करते हुए कहती है कि भले ही तुम्हारे पिता हमेशा ये मानते हो कि तुम कल आने वाले हो, लेकिन कभी भी मैंने उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया, मैंने कोई विरोधाभास कभी भी प्रकट नहीं किया। जबकि हम जानते हैं कि एक बार बैसी ऐसा कर चुकी है और उसने दुष्परिणाम भी देख लिया है। शी सेड दैट इट वॉज टुमारो दे हैड बीन वेटिंग फॉर। वो तो केवल इतना सा जवाब देती है कि ये तो आने वाला कल है जिसका मैं और तुम्हारे पिता लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। Here ends page number 11. Page number 12. हैरी कमेंटेड विद द डोर शट। हैरी यहां पर एक ताना मारते हुए, टॉन्ट कसते हुए कहता है कि बोले अच्छा तुम और मेरे पिता मेरे आने का इंतजार कर रहे थे ये इन दरवाजों को बंद करके। यानी वो ये पॉइंट आउट करता है कि आज जब मैं यहां पे आ गया तब तो मेरा बाप दरवाजा बंद करके अंदर घुस गया है और तुम मुझे ये कह रही हो कि मेरी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रहे थे तुम लोग। ही सेड दैट ही वुडंट केयर इफ शी थॉट दैट कैप्टन कुड बी ब्रॉट राउंड टू रिकॉग्नाइज हिम। वो ये कहता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है बैसी कि तुम्हें लगता है कि एक दो दिन या एक दो घंटे के अंदर तुम मेरे पिता को मना लोगी और मुझे मेरी पहचान पुख्ता करने के लिए मेरे सामने ला खड़ा करोगी, लेकिन मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। हैरी सेड दैट ही कुड नॉट होल्ड आउट ए वीक इन दैट डैड अलाइव प्लेस। वो ये कहता है कि मैं इस मुर्दा सी जो ये जिंदा लोगों की जगह है यानी कि जो कोल ब्रुक है यहां पर एक सप्ताह या इतने दिन नहीं रुक सकता कि अगर तुम सोचती हो दो चार दिन में मेरे पिता को समझा दोगी तो मैं इतना लंबा यहां पर नहीं रुक सकता। अ फ्रेंड विद हैरी हैड ए नोशन ऑफ गेटिंग ए कपल क्विड आउट ऑफ कैप्टन बाय राइटिंग ए लॉट ऑफ सिली नॉनसेंस इन ए लेटर। यहां पर हैरी ये भी बताता है बातों बातों में कि उसका एक दोस्त था जिसकी अवधारणा थी, जिसका मानना था कि तू अपने पिता को कुछ प्यार भरे झूठे सच्चे पत्र लिख और उससे कम से कम दो तीन जो पाउंड होते हैं, जो पाउंड स्टर्लिंग यानी ब्रिटेन की करेंसी होती है, कम से कम वो पैसे कबाड़ने का उससे निकालने का प्रयास कर। ही आस्क्ड इफ ही शुड स्टे If he should try a knock at the door, इन्हीं बातों बातों के अंत में वो ये भी पूछ लेता है कि क्या बैसी को ऐसा लगता है कि उसे आगे जाके दरवाजा खटखटाना चाहिए। She allowed, वो कहती है बिल्कुल तुम्हें प्रयास करके देखना चाहिए। He moved on. वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है then stopped with another deep laugh in the throat. लेकिन अचानक जाने क्या होता है कि चलते चलते वो बीच रास्ते में रुकता है और एक खरखराती हुई हंसी हंसता है। Thrilling to her heart. उसकी ये जो हंसी थी ये बैसी के नाजुक दिल को डराने के लिए पर्याप्त थी। He asked if captain was not frisky. वो पलट के पूछता है कि अरे बुड्ढा कहीं वाकई में पूरी तरीके से पागल तो नहीं है। She said that captain is a most harmless creature that ever lived. बैसी यहां पर फिर अपनी बात को रिपीट करती है जैसा कि वो इतने लंबे समय से जानती है कि कैप्टन हेडबर्ग इस दुनिया का सबसे ऐसा मनुष्य है, एक ऐसा जीवित प्राणी है जो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो सबसे निरी इंसान है। ही सेड दैट शी वुड नॉट से सो इफ शी हैड सीन हिम चेसिंग हिम अप स्टेयर्स विद ए हार्ड लेदर स्टेप। यहां पर एक और जबरदस्त जो सरप्राइज है, एक रहस्य जो है वो हैरी हैगबर्ट बैसी कार्विल के सामने प्रकट करता है। वो ये कहती है कि अभी तो तुमने इसे बहुत निरी इंसान कहा है पूरी दुनिया का, लेकिन अगर तुमने बचपन में अपने इसी निरी आदमी को मेरे पीछे सीढ़ियों के ऊपर लेदर का पट्टा मुझे मारने के लिए दौड़ते हुए देखा होता तुम तो तब तुम कभी भी ये नहीं कहती कि आदमी इतना निरीह है जितना तुम इसे समझती हो। यानी हैरी हेडबर्ग यहां पर ये बताता है कि वो बहुत ही अत्याचारी पिता रह चुका है कैप्टन हेडबर्ग। ही हैड नॉट फॉरगॉटन इन इट इन 16 इयर्स। यहां तक कि इतना भयावह बचपन था हैरी हेडबर्ग का कैप्टन के साथ अपने पिता के साथ कि वो कहता है कि 16 साल बीत चुके उसको घर से भागे हुए अपने पिता से दूर हुए, लेकिन वो जो भयावह मार थी वो चमड़े के पट्टे से जो मारा करता था वो आज भी नहीं भूल पाया है। He shouted at the door to let him in. लेकिन हाल फिलहाल ये बात बताने के बाद, रहस्य बताने के बाद यानी अपनी सफाई देने के बाद हैरी हेडबर्ग दरवाजे पर जाता है और आवाज लगाता है अपने पिता को कि वो उसे अंदर आने दे। He came back home a day too soon. वो केवल इतना समझाता है कि मैं आपका बेटा हैरी हूं, केवल एक दिन पहले आ गया हूं। वन ऑफ द विंडो अपस्टेयर्स रैन अप, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता है, लेकिन ऊपर जो कमरे की एक विंडो है वो विंडो खुलने की आवाज आती है। द वॉइस ऑफ ओल्ड हैगबर्ड सैड अप इन द डार्कनेस If she did not have anything to do, लेकिन जब खिड़की खुलती है तो वो अंदर से जो कैप्टन हेडबर्ग की आवाज आती है वो अपनी बेटी की बात का जवाब नहीं देती बल्कि वो बैसी को फटकारते हैं। वो ये कहते हैं कैप्टन हेडबर्ग कि क्या तेरे पास में कोई काम नहीं है करने के लिए जो इस आवारा लड़के के साथ खड़ी है, इट वुड स्पॉइल एवरीथिंग। वो एक धमकी देते हुए, चेतावनी देते हुए कहती है कि अगर तूने इस आदमी से और बातें करी, नजदीकते बढ़ाई तो आगे जो मैंने तेरे को बहू बनाने का फ्यूचर देख रखा है वो ये सब कुछ खराब कर देगा। हैरी सैड हेलो टू हिज डैड। यहां पर जो हैरी होता है बीच में इंटरप्ट करता हुआ कैप्टन हेडबर्ग को अपने पिता को हेलो कहता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं आता। द विंडो रैम्बल्ड डाउन, बल्कि धड़ाम से खिड़की बंद करने की आवाज आती है। एंड हैरी स्टूड बिफोर हर अगेन, और हैरी दोबारा से
उसके बैसी के आगे खड़ा होता है. ही टोल्ड हर दैट ही स्पेंड हिज लास्ट शिलिंग्स ऑन द रेलवे फेयर. अब यहां पे हैरी अपनी एक मजबूरी जाहिर करता है कि इस आदमी ने तो दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास जो लास्ट शिलिंग्स यानी जो सिक्के थे, ब्रिटेन की मुद्रा जो थी, वो उसने रेलवे के भाड़े में खर्च कर दिए. एंड लास्ट 2 पेंस ऑन ए शेव, और लास्ट के बचे हुए 2 पैसे जो थे वो उसने टैप रूम में दाढ़ी कटाने में लगा दिए, जहां पर उसने नाई ने कैप्टन हेडबर्ग के बारे में उसे बताया था. आउट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर द ओल्ड मैन, वो ये भी बताता है कि दाढ़ी बनाने के जो उसने पैसे खर्च करे थे, वो अपने इस बूढ़े पिता को सम्मान प्रदर्शित करने के लिए करे थे. बैसी बैसी आस्क्ड इफ ही वॉज रियली हैरी हैगबर्ड. यहां पर बैसी आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछती है कि क्या वाकई में, सच्चे अर्थों में, तुम क्या वाकई में हैरी हैडबर्ग ही हो, वाकई में कैप्टन की बेटी हो. ही सेड दैट, यानी यहां पर बैसी शक प्रकट करती है. He said that she could find some man or women who would remember him for Harry Hagbard. यहां पर जो हैरी हैगबर्ड है वो ये कहता है कि पूरे ब्रिटेन में और पूरे आसपास के इलाकों में उसे ढेर सारे आदमी और विशेषकर औरतें, लड़कियां, उसकी प्रेमिकाएं, ऐसी हजारों भरी पड़ी मिल जाएंगी जो इस बात की गवाही देने को तैयार है कि वो ही हैरी हैगबर्ड है. ही कुड प्रूव इट टू हर इन ए मिनट इफ शी वुड लेट हिम स्टेप इनसाइड हर गेट. वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें इस बात का और भी सबूत देने के लिए तैयार हूं, बशर्ते तुम मुझे अपने घर के अंदर आने दो, अपने गार्डन के अंदर आने दो. शी लेट हिम इन, वैसी उसे अंदर आने देती है. शी टर्न्ड हर बैक ऑन द विंडो एंड वेटेड. वो दरवाजा गेट, मेन गेट को खोलकर अपने कमरे के गेट की तरफ जाती है और खिड़की की तरफ पीट करके खड़ी हो जाती है, यानी गेट की तरफ मुंह करके, जहां से आगे की तरफ हैरी हैडबर्ग आ रहा है. पेज नंबर 13. ही स्वंग अबाउट एंड स्टूड स्टिल. वो लगभग झूमता हुआ सा उस गेट के अंदर घुसता है और बैसी के जस्ट आगे आगे खड़ा हो जाता है. उसका हैरी का फेस बैसी की तरफ है, बैसी का हैरी की तरफ, और जो बैसी है उसके पीछे कमरे की विंडो है. फेसिंग द इल्यूमिनेटेड पार्लर विंडो एट हर बैक, यहां पर कमरे की विंडो दिखाई देती है बैसी के पीठ के पीछे, जिसमें अंदर लाइट जल रही है, उसका प्रकाश बाहर की तरफ आ रहा है. हैरी आस्क्ड बैसी इन ए लोअर वॉइस इफ द कैप्टन एवर टोल्ड हर व्हाट हिज मदर डाइड ऑफ. अब यहां पर बातों ही बातों में हैरी बैसी से पूछता है कि अच्छा चलो तुम बताती हो कि कैप्टन हेडबर्ग तुम्हारी नजर में बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन अभी तो मैंने एक कमी बताई है, तुम मुझे पहले बताओ कि क्या इतने सालों में कभी मेरे पिता ने तुम्हें बताया कि मेरी मां यानी कि कैप्टन हेडबर्ग की पत्नी कैसे मरी. बैसी टोल्ड दैट फ्रॉम पेशेंस. बैसी हां बिल्कुल जवाब देती है कि बिल्कुल मेरे को बताया, वो अधीरता की वजह से मरी, वो अपने बेटे का इंतजार करने में धीरता सब्र नहीं बरत पाई और मर गई. ही टोल्ड दैट हिज मदर नैग्ड एट हिम फॉर बीइंग आइडल. वो ये बताता है अब कि उसकी मां भी कितनी बुरी थी. वो ये कहता है कि बचपन में हमेशा उसकी मां उसे निठल्ला कहकर उसके पीछे पड़ी रहती थी. एंड द ओल्ड मैन सैड दैट ही वुड कट हिज सोल आउट ऑफ हिज बॉडी रेदर देन लेट हिम टू गो टू द सी. वो ये बताता है कि उसकी माँ तो हमेशा उसको निकम्मे बड़े रहने पर उसके पीछे पड़ती थी, और जो ये बूढ़ा आदमी यानी कैप्टन हेडबर्ग है, वो हमेशा ये कहता था कि अगर ये समुद्र में नाविक बन के जाना चाहता है तो इससे बढ़िया मैं इसका गला घोट दूंगा, इसकी जान निकाल दूंगा. इट सीम्ड टू हैरी समटाइम्स एज इफ ही हैड बीन बोर्न टू देम बाय मिस्टेक. यहां पर हैरी बताता है अपनी गिल्टी फील करता हुआ बताता है कि कई बार तो बचपन में उसको एहसास होता था कि कहीं वो इस माता पिता की गलती का नतीजा तो नहीं है, वरना अगर प्यार से पैदा किया होता तो वो उसे अपने बच्चे की तरह मानते, लेकिन वो बताता है उससे ऐसी वो दुश्मनी रखते थे बचपन से कि उसे लगता था कि कहीं गलती से ही पैदा हुआ हूं. बैसी आस्क्ड इंटरप्टेड हिम वेयर ही ऑट टू हैड बीन बोर्न बाय राइट्स. यहां पर बैसी उससे पूछ लेती है कि अच्छा तुम्हें ये तो बहुत बुरा लग रहा है कि तुम हेडबर्ग के घर में पैदा हुए, मुझे बताओ कि और कौन सी दुनिया की अच्छी जगह है जहां तुम पैदा होने की ख्वाहिश रखते हो. ही सैड क्विक एज लाइटनिंग दैट इन द ओपन. यहां पर हैरी का जवाब किसी आसमान में चमकती हुई बिजली की गति से आता है. वो सवाल पूछती है और वो तुरंत आंसर देता है बिना सोचे समझे. वो ये कहता है खुले आसमान के नीचे, अपॉन ए बीच या किसी समुद्र तट पर, ऑन ए विंडी नाइट, किसी तूफानी हवा के साथ में. यानी वो प्राकृतिक नजारों और खुले में जीने का आदि है. हैरी आस्क्ड हू दैट वॉज मेकिंग दैट रो इन हर हाउस. अचानक बैसी कारविल के पिता की अंदर से वही चीखने और गाली बकने की आवाज आती है और हैरी पूछता है कि भैया कौन है घर के अंदर आदमी. She answered with indifference that it was for her. लेकिन बैसी हमेशा की तरह बिना कोई जिज्ञासा और बिना कोई उस आवाज की तरफ ध्यान दिए बिना साधारण शब्दों में कहती है कि यह आवाज उसके लिए आ रही है, तुम चिंता मत करो. He inquired if he was her husband. यहां पर हैरी पूछता है बैसी से कि क्या है जो आवाज आ रही है, क्या है तुम्हारे पति की है. She answered in negation. जो बैसी है वो मना कर देती है that it was his father. She was not married. बैसी बताती है कि उसकी शादी नहीं हुई, अंदर से आने वाली आवाज उसके पिता की है. He asked
ही आस्क्ड व्हेन वाज हु वाज मर्डरिंग हिम। यहां पर जो हैरी है वो ये पूछता है कि अगर ये तुम्हारे पिता हैं और तुम्हारे पति नहीं है तो ये आदमी इतना चिल्ला क्यों रहा है, कौन है इसका गला दबा रहा है जो अंदर। शी सेड दैट हर फादर वांटेड टी। वो बताती है कि उसके पिता इतना चीखना चिल्लाना और गाली गलौज सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये उनके चाय पीने का समय है। ही सजेस्टेड दैट शी हैड बेटर गो इन, ही वुड वेट देयर ए बिट। हैरी कहता है कि तब तो बढ़िया है कि तुम अंदर चली जाओ, वो ज्यादा सही रहेगा, मैं तुम्हारा यहां पर इंतजार कर लूंगा। और बैसी कमरे के अंदर चली जाती है। हर रैप फेल टू द ग्राउंड एंड ही स्टॉप टू पिक इट अप। लेकिन जैसे ही वो खिड़की की तरफ अंदर जाने के लिए दरवाजे की तरफ पलटती है, अचानक बैसी का जो स्कार्फ होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है और जो हैरी है वो उस स्कार्फ को उठाने के लिए नीचे झुकता है, बट शी हैड वैनिश्ड। लेकिन जैसे ही वो उसके कंधों पर डालने की कोशिश करता है वहां से जा चुकी थी। ही पीर्ड द विंडो एंड सॉ ए मॉन्स्टर्स फॉर्म ऑफ ए फैट मैन इन एन आर्म चेयर। फिर वो खिड़की से अंदर झांक के देखता है कि कैसे है बैसी के पिता, तो उसे एक भीमकाय दानवाकार जो मोटा सा आदमी है वो एक आर्म चेयर झूलने वाली चेयर पर बैठा दिखाई देता है। द शाउटिंग स्टॉप। लेकिन जैसी बैसी अंदर जाती है उस दानवाकार मोटे आदमी के चीखने की आवाज बंद हो जाती है। पेज नंबर 14 पे है। हैरी लॉस्ट हिमसेल्फ इन थिंकिंग हाउ अवेकर्ड इट वॉज। अब जब बेसी वहां पे चली जाती है तो थोड़ा देर वो अकेला रहता है हैरी, और उसे अपने अंदर अपनी किस्मत पर विचार करने का टाइम मिलता है। वो कहता है कि कितनी विचित्र सिचुएशन में आगे फंस गया है। फादर मैड, उसके पिता पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। नो मनी टू गेट बैक, और उसके पास वापिस जाने के लिए पैसा भी नहीं है। ही कुड ब्रेक द डोर इन। एक बार उसके मन में यह भी विचार आता है कि है तो उसके पिता का ही घर ना, वो चाहे तो दरवाजा तोड़ के भी अंदर घुस सकता है। बट दे वुड परहैप्स बंडल हिम इन टू चौकी विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। लेकिन उसको पता है कि अगर उसने दरवाजा तोड़ा तो सरकार के नियमानुसार वो उसे बिना किसी सवाल और कुछ जवाब उसका सुने बिना उसे पुलिस चौकी के अंदर बंद कर देंगे, और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी पुलिस में बंद होना। बैसी आज व्हाट ही वाज अ सेलर। बैसी कुछ देर बाद वापस आती है और वो अपना सवाल उछालती है दूसरा। वो ये पूछती है कि तुम आखिरकार हो क्या, क्या तुम एक नाविक हो। ही रिप्लाइड दैट एनफ ऑफ ए सेलर टू बी वर्थ। वो ये कहता है कि नाविक और नाविक से भी ज्यादा, यानी वो ढेर सारे काम कर सकता है, ऐसा कोई काम नहीं है जो वो नहीं कर सकता। शी आज वेरी फ्रॉम, वो पूछती है अभी तुम कहां से आ रहे थे। ही सेड दैट बाय द लंदन ट्रेन। वो ये कहता है कि वो लंदन से ट्रेन पकड़ के कोलब्रुक आया था। बट ही हेटेड ट्रेन। लेकिन वो ये भी बताता है कि उसे ट्रेन से नफरत है क्योंकि उसके अंदर छत होती है और दीवारें होती है और आदमी लगभग एक अंदर फंस जाता है। ही डिड नॉट माइंड ए हाउस सो मच। वो ये कहता है कि मुझे इससे बढ़िया ट्रेन की बोगी से बढ़िया कोई घर पसंद है। बिकॉज इन ए हाउस वन कुड एट एनी टाइम ओपन द ब्लेम्ड डोर एंड वॉक अवे स्ट्रेट। लेकिन घर उसे इसलिए पसंद नहीं है कि उसे परिवार से प्यार है। घर उसे केवल इसलिए पसंद है क्योंकि घर में एक दरवाजा होता है, और जब आदमी को घर की चार दीवारी पसंद नहीं आए तो दरवाजे को खोले और घर से बाहर चला जाए। शी आज एंड फॉर नेवर कम बैक। यहां पर ताना मारती हुई जो बैसी है वो उसको कहती है, बोले अच्छा घर से बाहर चला जाए और कभी ना लौट के आने के लिए। ही लाफ्ड। उसकी ये गंभीर बात सुनकर वो खिल्ली उड़ा देता है, हंसता है एंड सेड दैट नॉट फॉर 16 ईयर्स एटलीस्ट। वो ये कहता है कि हाँ कम से कम 16 साल तक तो वापिस नहीं आने के लिए। शी टॉन्टेड दैट ए शिप इज नॉट ए वेरी बिग। यहां पर जो बैसी है उसको दुनिया की हकीकत याद दिलाती है कि जहाज जहाज ही होता है, जहाज कभी घर नहीं हो सकता। हैरी सेड दैट बट द सी इज ग्रेट। हैरी कहता है बिल्कुल जहाज बहुत ही छोटी चीज होती है लेकिन समुद्र समुद्र बहुत विशाल होता है। आदमी पूरी जिंदगी भर समुद्र को घूमे और कभी खत्म नहीं होता है। She is great. She taunted. Harry said that, but the sea is great. She dropped her head as if her ears had been opened to the voices of the world. यहां पर जो बैसी है वो अचानक उसकी इतनी सारी जो इंडिपेंडेंट और इतने सारे उसके जो विचार है हैरी के, वो सुन के ऐसा सर झुका के उसकी बातों में खो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे मानो पहली बार वो अपने जीवन में इतनी अच्छी बातें सुन पा रही हूं और पहली बार उसके कान खुले हैं, वरना आज से पहले उसने अपने पिता की गालियों के अलावा कभी भी कुछ नहीं सुना था। ये पहली बार था जब वो एक नौजवान के मुंह से इस दुनिया के कोने कोने समुद्र जीवन इन सारी चीजों के बारे में सुन रही थी। ही एक्सप्लेन दैट ए शिप इज ए शिप। वहां पर वो ये भी रिमार्क करता है हैरी कि जहाज एक जहाज ही होता है। वन लव्स हर। जब कोई आदमी उसमें जाता है उसमें प्रेम करता है तो जाता है एंड लीव्स हर, और जब उसकी इच्छा होती है उस जहाज से प्यार खत्म हो जाता है तो उसे छोड़ भी सकता है। एंड ए वॉयज इजंट ए मैरिज। और वो कहता है कि जो वॉयज जो समुद्र यात्रा होती है वो किसी शादी की तरह जबरदस्ती का बंधन नहीं होती है, आदमी जब चाहे उसे छोड़ के जा सकता है। ही कोटेड द सेलर सेइंग लाइकली। असल में उसने जो बात कही हैरी हेडबर्ग ने, ये सेलर्स जो नाविक लोग होते हैं जो समुद्र में जहाजों पर काम करते हैं, ये उनकी एक फेमस उक्ति होती है जिस वाक्य को वो हमेशा दोहराते हैं। ही सेड दैट ही नेवर टुक ए फेल्स नेम। यहां पर वो अपनी स्वाभिमानिता के बारे में बताते हुए हैरी कहता है कि कभी उसने झूठा नाम अपना नहीं रखा है। एंड ही हैड नेवर येट टोल्ड अ लाई टू ए वुमन। और ना ही कभी उसने किसी लड़की को अपने प्रेम जाल में झूठ बोल के फंसाया।
ही सैड इफ शी टुक हिम, वो यहां तक इतना निर्भीक होते हुए उसको कह देता है कि अगर बेसी उससे प्रेम करती है देन इट वॉज, तो फिर वो उसका भी होने के लिए तैयार है। ही हम दे स्नैच वेरी लो लीनिंग द वॉल, यहां पर वो पीठ पीठ दीवार की तरफ टिका के एक मधुर सी कोई गाने की धुन है उसको गुनगुनाने लगता है। हर टीथ चैटर्ड, उसकी ये बातें सुन के जो बेसी होती है उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। ही सैड दैट शी वॉज कोल्ड, तो उसको वो हैरी कहता है क्योंकि उसका स्कार्फ नीचे गिर गया है, वो कहता है तुम्हें ठंड लग रही होगी। शी फेल्ट हिज हैंड्स अबाउट हर, लेकिन जैसी वो बात कहता है तो अचानक वो महसूस करती है कि हैरी ने अपने जो बाहें हैं वो उसके कमर के चारों तरफ डाल दिए हैं, रैपिंग हर क्लोजली, और उसे धीरे धीरे करके अपनी तरफ खींच रहा है। शी आज रिप्रेसिंग अ शोल्डर व्हाट ही केम देयर फॉर, यहां पर जो बैसी है वो उसके छूने की जो कंपन है उस कंपन से अपने आप को मुक्ति पाती हुई अचानक उससे पूछती है तुम अपने आने का मकसद क्यों नहीं साफ साफ बताते। ही आंसर्ड प्रॉम्प्टली दैट फॉर 5 क्विट, वो कहता है कि मैं यहां पर सिर्फ $5 के लिए आया हूं, $5 मिल जाए मेरा काम हो जाएगा और मैं यहां से निकल जाऊंगा। पेज नंबर 15, बैसी आज इफ ही हैड बीन इन ड्रिंकिंग, बैसी पूछती है कि क्या तुम अपना सारा पैसा शराब पीने में उड़ाते आए हो। ही आंसर्ड दैट ही हैड ब्लाइंड 3 डेज, वो ये कहता है कि नहीं मैंने पूरे 3 दिनों से शराब नहीं पी है ऑन पर्पज, एक कारण की वजह से उसने वो पैसे बचाए यहां पर आने के लिए। देयर वॉज नथिंग एंड नोबडी दैट कुड गेट ओवर हिम अनलेस ही लाइड, यहां पर वो अपनी शेखी बघारते हुए कहता है, बोस्टिंग करते हुए कहता है कि कोई भी चीज या कोई भी इंसान जब तक उसके ऊपर हावी नहीं हो सकता जब तक कि वो खुद नहीं चाहता हो, कोई भी चीज उसके ऊपर तब तक हावी नहीं हो सकती जब तक उसकी खुद की इजाजत नहीं हो। शी साइड एंड सैड दैट ही हैड ए हार्ड हार्ट, यहां पर उसकी बातें सुन के जो बैसी है वो एक गहरी दुख भरी आह भरती है और कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत ही सख्त कठोर पत्थर की तरह है। हैरी सैड दैट हिज फादर वॉन्टेड हिम टू मेक ए लॉयर्स क्लर्क, यहां पर हैरी अपना बचाव करते हुए कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कोई सख्त दिल इंसान हूं, बल्कि वो कहता है कि मेरे पिता क्या चाहते थे, वो मेरे को नाविक नहीं बनने देना चाहते थे बल्कि एक वकील के यहां पर मुझे बाबू बनाना चाहते थे। हिज फादर वॉन्टेड हिम देयर जस्ट टू हैव समबडी टू ऑर्डर अबाउट, वो ये कहता है कि जैसे तुम्हारे पिता ने अपने हुक्म चलाने के लिए तुम्हें घर में बांध रखा है, मेरे पिता कैप्टन हेडबर्ग भी ये चाहते थे, वो मुझे यहां पर इसलिए चाहते थे क्योंकि वो मुझे अपना नौकर बना के रख सके ना कि एक बेटे की तरह। बैसी सेड दैट शी वॉज सॉरी फॉर हिम एंड आस्क्ड इफ ही नेवर वॉन्टेड टू कम बैक होम, यहां पर बैसी जब वो इसका इस बात की सच्चाई जानती है कि उसके पिता कितने अत्याचारी थे कैप्टन हेडबर्ग जिनको बहुत अच्छा इंसान समझती है, तो बड़ा दुख प्रकट करती है और उससे पूछती है कि लेकिन फिर भी कि तुम्हारे पिता माता तो थे ही थे तो क्या कभी तुम घर नहीं आना चाहते थे। हैरी सैड ही वुड प्रिफर टू डाई समवेयर रैदर देन टू बी ए लॉयर्स क्लर्क एंड रोट देयर, हैरी कहता है कि इस जगह आकर किसी क्लर्क एक वकील का क्लर्क बनने से बढ़िया या फिर इस मुर्दा जगह में आकर इस घर में सड़ने से बढ़िया मैं किसी दूसरी जगह पर मौत भी पसंद कर लूंगा। वैसी आज देन वेयर एल्स इट वाज दैट ही होप्ड टू डाई, वैसी उसे पूछ लेती है कि भैया इस दुनिया में ऐसी कौन सी सुंदर जगह है जहां तुम मरना चाहते हो, वो भैया नहीं कहती है तो मैं कह रहा हूं। हैरी रिप्लाइड दैट इन द बुश समवेयर इन द सी ऑन द ब्लेम्ड माउंटेन टॉप, यहां पर वो बड़ी कवियों वाली एक दार्शनिक बात करता है, वो जवाब देते हुए कहता है कि किसी झाड़ी में किसी समुद्र के किसी कोने में या किसी समुद्र किसी ऊंची पहाड़ की चोटी पर, लेकिन इस जगह नहीं। ही हैड हार्पून ए व्हेल, यहां पर वो बताता है कि किस तरीके से उसने जिंदगी का भरपूर मजा लिया है। वो ये कहता है कि हार्पून एक भाले टाइप हथियार होता है जिससे फेंक कर उसको वेल को मारते हैं। वो ये कहता है कि मैंने समुद्र में वेल मारी है, रिग्ड शिप्स जहाजों पर काम किया है, प्रोस्पेक्टेड फॉर गोल्ड कई बार सोने की तलाश में गया हूं, एंड स्किन डेड बुलॉक्स और कई बार मरे हुए जानवरों की मैंने खाल भी उतारी है, कसाई बाड़े में भी काम करा है। Turned his back on more money that the old man would have scraped in his whole life. यहां पर वो अपने पिता के लिए ताना मार के कहता है कि इस बूढ़े आदमी ने जितना पैसा अपनी पूरी जिंदगी में पाई पाई करके जोड़ा है, इतने पैसे की तरफ तो मैं पीठ घुमा के आ भी चुका हूं। ही ओवरवेलम्ड हर, फाइनली उसकी इतना सारा एक्सपीरियंस और ये जो खुला जीवन उसने जिया है, ये बातें सुनकर अब जो बैसी है वो पूरी तरीके से भावनाओं से बुरी तरीके से भर जाती है, उसको अपना जीवन किसी कुएं के मेंढक जैसा और एक दम घुटे हुए कमरे में जैसा महसूस होता है, और उसके विपरीत उसे जो हैरी है वो एक ऐसा आदमी नजर आता है जिसने भरपूर अपनी जिंदगी को जिया और मजा लिया है। शी अटर्ड दैट इट वॉज टाइम टू रेस्ट देन, उसकी इन बातों को सुनकर जब हैरी की बातों को सुनकर बेसी पूरी तरीके से भावनात्मक हो जाती है और भावनाओं से भर जाती है, उसको लगने लगता है कि उसका जीवन किसी बंद पिंजरे के एक पंछी की तरह है, और जबकि जो हैरी हैगबर्ड है वो एक आजाद पंछी की तरह अपने जीवन को बिता रहा है, तो उसे बड़ा बुरा लगता है और वो इतनी दुखी हो जाती है कि वो वहीं बातों को विराम देती हुई कहती है कि अब सोने का समय हो चुका है। ही स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ अप, जो हैरी हेडबर्ग है जो बेसी के
घर की तरफ पेट टिका के खड़ा था, अब वो अपने आप को सीधा करके खड़ा हो जाता है। इन अ सैवर वॉइस सैड दैट इट वॉज टाइम टू गो, और कठोर आवाज बना के कहता है कि ये समय सोने का नहीं बल्कि यहां से बाहर निकलने का है, यानी उसको हैरी के साथ चले आना चाहिए। बट ही डिड नॉट मूव, लेकिन ये बात कहने के बावजूद ना तो वो खुद वहां से हिलता है और ना ही वो बैसी को हिलाने की वजह कोशिश करता है। ही लीन्ड बैक अगेंस्ट एंड हम्ड अ बार और टू ऑफ एन आउटलैंडिश ट्यून। अब की बार लेकिन वो आगे कुछ बढ़ता नहीं है बल्कि वापस दीवार की तरफ पेट टिकाकर आराम से खड़ा हो जाता है, और अब की बार वो कोई दूसरी भाषा में कोई गाने की जो एक या दो पंक्ति है उसको गुनगुनाने लगता है। बेसी फेल्ट एज इफ शी वॉज अबाउट टू क्राई, उसके एक और दुख भरे गाने को, भले ही वो उसकी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज में था, तो बेसी उसकी उस दर्द भरे गाने को सुनने के बाद उसका दिल करता है कि वो उसके सामने फूट फूट के रोए अपनी बदकिस्मती पर, अपने इन हालातों पर। शी सेड दैट इट वॉज हिज अनदर क्रूल सॉन्ग, और वो उसको कह भी देती है कि ये तुम्हारा फिर एक दुख दर्द भरा और एक क्रूर गाना है जो मुझे परेशान ही कर रहा है। He talked easily and said that he learned it in Mexico in Sonora. तो वो वहां पे बड़े आराम से जवाब देता है, वो वैसे की बातों से बिल्कुल भी बहकता नहीं है, बल्कि वो कहता है कि उसने इस गाने को मैक्सिको में सोनोरा नाम की जगह पर सीखा था। इट वॉज द सॉन्ग ऑफ द गैम्बिकनोस, वो ये बताता है कि ये जो गाना वो गा रहा है जो मैक्सिकन भाषा में है, वो गैम्बिकनोस नाम की जो प्रजाति के लोग होते हैं या कोई आदिवासी कबीला है उन लोगों का गाना है। पेज नंबर 16 पे हम देखेंगे कि इनफैक्ट ये गैम्बिकनस लोग कौन है और उनका क्या रिलेशन है। नथिंग कुड होल्ड गैम्बिकनस इन वन प्लेस, हैरी हैगबर्ड बताता है कि मेक्सिको के ये जो सोनोरा नाम की जगह पर रहने वाले लोग होते हैं ये बड़े ही अजीब होते हैं और कोई भी चीज उनको एक जगह बांध के नहीं रख सकती, नॉट इवन ए वुमेन, और ना ही वो किसी प्रेमिका के झांसे में आने पर कभी एक जगह रुकते हैं। दे वैंडर्ड अलोन, और हमेशा अकेले बंजारों की तरह घूमते हैं, ग्रुप में नहीं घूमते। इट वॉज नॉट द गोल्ड दे कार्व्ड फॉर, और उनके मन में कभी भी सोने की चाहत नहीं रही। इट वॉज द वैंडरिंग, उनके मन में चाहत ही सिर्फ घूमने की थी, घुमक्कड़पन उनके खून में था। द सॉन्ग वॉज अबाउट ए प्रिटी गर्ल, तो उन्हीं गैम्बिकनस लोगों का ये गाना है जो कि एक सुंदर लड़की के बारे में है। दैट ट्राइड हार्ड टू कीप होल्ड ऑफ ए गैम्बिकनो लवर सो दैट ही कुड ब्रिंग हर लॉट्स ऑफ गोल्ड। यहां पर इस गाने में पता चलता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की हुआ करती थी जिसने एक गैम्बिकनो को अपना प्रेमी बना लिया, और उसने प्रेमी इसलिए बनाया था ताकि वो उसके लिए ढेर सारा सोना और गहने ज्वेलरीज उसको लाके दे सके। बट लेकिन ही वेंट ऑफ, अंत में वही होता है जो उन लोगों के खून में होता है, वो उसको छोड़ के चला जाता है। एंड शी नेवर सॉ हिम अगेन, और वो प्रेमिका कभी भी अपने उस प्रेमी को दोबारा नहीं देख पाती। बेसी आस्क्ड व्हाट बिकेम ऑफ हर, बेसी बड़ी उत्सुकता से पूछती है कि उस लड़की का क्या हुआ। ही सेड दैट सॉन्ग डिड नॉट टेल इट, तो हैरी ने बड़ी सहज लहजे में कह दिया कि गाना ये तो नहीं बताता कि उस लड़की का क्या हुआ, लेकिन फिर वो अपने मन के विचार बताते हुए कहता है शी माइट क्राइड ए बिट, वो ये कहता है कि शायद वो लड़की थोड़ा बहुत फूट फूट के रोई होगी, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। बेसी सेड इन ए ब्रेजन वॉइस दैट नो वुमेन कुड होल्ड हैरी देन, तो बेसी कहती है तो फिर भी तुम उन्हीं लोगों की तरह ही तो हुए, तुम में और गैम्बी में क्या फर्क है, तुम्हें भी शायद कोई औरत या कोई भी चीज एक जगह कोई प्रेमी या पत्नी या प्रेमिका नहीं रोक सकती। He joked saying that no longer than a week, हैरी यहां पर उसकी संजीदा बात की खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि हाँ कम से कम एक सप्ताह से ज्यादा तो नहीं रोक सकती, यानी अगर उसे प्रेमिका मिल भी जाती है तो वो एक सप्ताह से ज्यादा नहीं रुकेगा। प्लेइंग अपॉन हर वेरी हार्ट स्ट्रिंग्स ऑफ हिज लाफ, असल में ये बात कहके वो खिलखिला के हंस पड़ता है, और उसकी ये जो खिलखिलाहट की हंसी है वो ये मानता है वो किसी के ऊपर किसी अनुराग प्रेम के डोरे की तरह काम करती है, तो इनफैक्ट वो भी चाहता था कि बेसी उसके प्रेम जाल में फंस जाए। He said that he had fallen in love with her already. और finally वो शब्दों में directly उसको ये कह देता है बेसी को कि उसे अभी यहां पर आने के बाद बेसी से भी प्यार हो गया है। She backed away and said in a trembling laugh that he had not seen her face yet. यहां पर बेसी पहली बार इतनी जवान हो चुकी लड़की है लेकिन कभी उसका इस तरीके की चीजों से या किसी लड़के से सामना नहीं हुआ, एक्सेप्ट सिर्फ उसने अपने पिता की गालियां और बुरी चीजें ही देखी है। लेकिन आज पहली बार एक लड़का उसे जैसी ही बात कहता है तो वह घबरा कर कांपती हुई दो कदम पीछे हट जाती है और फिर एक रूखी सी हंसी निकालती हुई कहती है कि तुमने तो मेरा चेहरा भी ढंग से नहीं देखा। हमें यह बात रिमेंबर होनी चाहिए कि रात का सीन है। हैरी बैंड गैलेंटली, बड़ी बहादुरी दिखाते हुए जो हैरी हैगबर्ड है वो थोड़ा और बेसी की तरफ झुकता है एंड सेड दैट शी वाज ए फाइन फिगर ऑफ ए गर्ल, और उसके शारीरिक गठन की उसके फिगर की सुंदरता करते हुए कहता है कि तुम में ऐसा क्या बुरा है, तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती हो।
बैसी वॉज ऑल इन फ्लटर उसके फाइनली इस बात को सुनने के बाद। हालांकि बैसी लड़की है, उसको तारीफ पसंद आती है, लेकिन पहली बार उसने किसी लड़के के मुंह से सुनी है तो बुरी तरीके से किसी सूखे पत्ते की तरह थर थराने लगती है। नो बडी हैड एवर सैड सो मच टू हर बिफोर, क्योंकि आज से पहले कभी भी किसी ने उससे ऐसी बात नहीं करी थी। उसने सिर्फ बुराइयां सुनी थी, उसने सिर्फ गालियां और फटकार सुनी थी। ही चेंज्ड हिज टोन एंड आस्क्ड इफ शी कुड स्पेयर अ ब्रेड एंड टी फॉर हिम। अचानक बात के विषय को, जो बात किसी सुंदरता पर बैसी की तारीफ पे चल रहा था, अचानक बदलते हुए हैरी कहता है कि अगर उसके घर में कुछ चाय और कॉफी या कुछ ब्रेड उसके लिए पड़ी है, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लग रही है, तो वो ही उसके लिए ले आए। He had been on the point of asking her to let him come inside। असल में डैरी एक बात और कहना चाहता था, वो ये कहना चाहता था कि उससे परमिशन मांगना चाहता था बैसी से कि वो उसे उसके अंदर तो गार्डन में आने दिए, अब वो उसे अपनी कोठरी कमरे में भी आने दे। बट शी वॉज गोन ऑलरेडी, लेकिन उसके खाने की फरियाद को सुनकर बैसी तुरंत वहां से उसके खाने लेने के लिए चली जाती है। He said that he did not ask her as a beggar। जब वो बैसी वापस लौटती है तो वो उसको साफ साफ कह देता है कि मैंने किसी भिखारी की तरह से तुमसे खाने की भीख नहीं मांगी है, बट एज ए फ्रेंड, बल्कि एक दोस्ताना रवैये में तुमसे मांगी है। टेकिंग ए पीस ऑफ ए ब्रेड एंड बटर फ्रॉम द प्लेट शी हेल्ड बिफोर हिम। जब वो ये बात उससे कहता है तो वो उसके सामने, बैसी हैगबोर्ड के सामने, हैरी के सामने एक प्लेट में ब्रेड बटर पकड़े हुए खड़ी होती है और वो उसमें से ब्रेड बटर का एक स्लाइस उठाते हुए ये बात उसे कहता है कि उसने भीख के तौर पर उससे खाना नहीं मांगा है। शी प्लीडेड, एक बार फिर बैसी उससे याचना करती है, दैट ऑल द कैप्टन हैड इन द वर्ल्ड वॉज फॉर हिम। वो उसे बड़े मिन्नत करके समझाने की कोशिश करती है कि कैप्टन हैडबर्ग का अगर संसार में कुछ भी कुछ है तो वो सिर्फ हैरी हैगबर्ड है, वो कृपया उसको छोड़कर ना जाए। नेक्स्ट पेज नंबर 17। बैसी सजेस्टेड हैरी दैट शी कुड ब्रिंग द कैप्टन राउड इन ए वीक। वो उसे समझाते हुए कहती है हैरी को कि अगर हैरी उसे एक सप्ताह का समय दे तो वो एक सप्ताह में कैप्टन हैगबर्ड को राजी कर लेगी कि वो उससे अपना समझौता करने को तैयार हो जाएगा। ही रेग्ड दैट द कैप्टन एक्सपेक्टेड हिम फॉर हिज रोटन मनी। यहां पर जो हैरी है वो ब्रेड को खाता खाता बुरी तरीके से गुस्सा हो जाता है उसकी इस बात से बैसी की, और कहता है कि मेरा जो बाप है वो मुझे अपने इस टुच्चे तरीके से जो जोड़े गए पैसे हैं, कंजूसी से जोड़े गए जो पैसे हैं, सिर्फ उन टुकड़ों के लिए यहां पर रोकना चाहता है। कैप्टन वॉन्टेड इज ऑन वे। वो आदमी सिर्फ अपने तरीके से सबको जीवन जीने देना चाहता है। ही वॉन्टेड हैरी टू मैरी एंड सेटल। वो अभी भी ये जानता है हैरी की उसके बाप की एक ही इच्छा है कि वो उसकी मर्जी से शादी करे और यहां पर सेटल हो जाए ताकि वो अपना हुक्म उस पर चला सके, और ये बात हैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बैसी शॉक ऑल ओवर विद नॉइसलेस ड्राई सॉब्स। अंत में अपनी हर एक याचना को विफल होते देख जो बैसी है वो अब सूखी सुबकियों में सुबकने लगती है, सिसकने लगती है। अ विंडो रैटल्ड अप। अचानक एक खिड़की खुलती है। ओल्ड हैगबर्ड प्रोनाउंस्ड इफ शी डिड नॉट हैव एनीथिंग डू। दरवाजा एक खिड़की को खोलकर जो कैप्टन हैडबर्ग है वो दोबारा चिल्लाकर उससे कहते हैं सोफी से कि वो एक पागल लड़की है, क्या उसके पास में करने के लिए कुछ नहीं है सवारा आदमी के साथ में खड़े होने के अलावा। सडनली हैगबर्ड क्राइड पियर्सिंगली दैट ही सॉ बैसी एंड वुड टेल हैरी अबाउट इट। अचानक कैप्टन हैडबर्ग बड़ी जोर से, बड़ी तेज से चिल्लाकर, कान चीरने वाली आवाज में चिल्लाकर कहता है कि बैसी मैंने तुम्हें सवारा लड़के के साथ खड़े हुए देख लिया है और अब ये बात मैं अपने बेटे हैरी हैगबर्ड को जरूर बताऊंगा जब वो कल आएगा, मैं बता दूंगा तुम अच्छी लड़की नहीं हो। द मैन वॉज ओनली ए वैगाबॉन्ड। वो ये कहते हैं कि बेसी ये जो आदमी तुम्हारे सामने खड़ा है ये केवल एक वैगाबॉन्ड, एक बंजारा है। ही कुड नॉट बी हैरी। ये कभी भी हैरी हैगबर्ड मेरा बेटा नहीं हो सकता। हैरी सेड बेसी दैट वन डे मोर एंड हैरी वुड मैरी हर। वहां से हैगबर्ड चिल्ला के कहता है कि तुम बस एक दिन इंतजार और कर लो, सिर्फ अगले दिन का इंतजार करो, मेरा बेटा आएगा और वो तुमसे शादी जरूर करेगा। हैरी वुड हैव टू। वो ये कहता है कि मैं मजबूर कर दूंगा, मेरे बेटे को तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी, वरना मेरा इस जगह कोई काम ही नहीं है। मैं यहां पे सिर्फ इसलिए हूं ताकि तुम्हारी उससे शादी करा सकूं और तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको, इफ नॉट। लेकिन वो यहां पर हैगबर्ड ये भी चेतावनी दे देते हैं कि अगर उनके बेटे ने उससे बैसी से शादी करने से मना किया, कैप्टन वुड कट हैरी ऑफ विद ए शिलिंग टुमारो। वो ये कहते हैं कि अगर उसने ऐसा काम नहीं करा तो मैं आने वाले कल में उसको अपनी एक एक पाई से मोहताज कर दूंगा, उसको अलग कर दूंगा, एंड लीव एवरीथिंग टू हर। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी गारंटी देते हुए, कसम खाते हुए कहते हैं कि मैं अपने बेटे को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, अपनी हर एक पाई से, और ये मकान और सारे पैसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये बात कहकर द विंडो रैटल डाउन। जो कैप्टन हैडबर्ग है वो दोबारा खिड़की को डाउन करके अंदर चले जाते हैं। हैरी ड्रू ए डीप ब्रेथ। इस नजारे को देखकर हैरी एक गहरी सांस लेता है, क्रेम फॉरवर्ड और उसके बेसी के नजदीक आता है एंड सेड दैट इट वॉज हर द गर्ल। और उसे पता चल जाता है
है, वो कहता है अच्छा तुम ही वो लड़की हो जो मेरे पिता ने मेरे लिए ढूंढ रखी है, यानी हैरी हैगबोर्ड के लिए ढूंढ रखी है। शी डिड नॉट मूव। जब वो इतना नजदीक आ जाता है हैरी, तो फिर जो बैसी है वो बिल्कुल भी पीछे नहीं सरकती है, प्रेस्ड हर हैड इन द पाम्स ऑफ हर हैंड्स, लेकिन शर्म के मारे अपनी हथेलियों से अपने मुंह को ढांप लेती है। हैरी कंटिन्यूड विद ए हाफ स्माइल ऑन हिज लिप्स दैट ही हैड ए ग्रेट माइंड टू स्टॉप। एक हल्की सी शैतानी मुस्कुराहट, एक आधी अधूरी मुस्कुराहट अपने होठों पर लाकर जो हैरी है वो उसके चेहरे के बिल्कुल नजदीक आ जाता है और कहता है कि वाह, अगर तुम मेरे यहां रुकने की वजह हो तब तो मैं काफी लंबे समय तक यहां रुक सकता हूं, फॉर ए वीक। ही फिनिश्ड विदाउट अ पॉज, और बिना किसी शर्मो लिहाज के वो ये भी कह देता है कि सिर्फ एक सप्ताह तक, यानी रुकूंगा तो सही लेकिन एक सप्ताह से ज्यादा नहीं। वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। बेसीज एल्बोज वर ट्रेम्बलिंग वायलेंटली, जबकि जो बैसी है वो इन बातों को सुनकर बुरी तरीके से घबराई हुई है और शर्माई हुई है, और उसकी जो बाजू है वो बुरी तरीके से कांप रही है। Page 18। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर फेस, वो दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को, अपनी शर्म को छुपाने के लिए बुरी तरीके से हथेलियों से ढांप लेती है। ही केम अप क्वाइट क्लोज, अब वो बिल्कुल बैसी के नजदीक आके हैरी खड़ा हो जाता है। एंड टू होल्ड ऑफ हर रिस्ट जेंटली, और उसके हथेलियों को पकड़कर बड़े प्यार से उसके उन हाथों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन प्यार से। शी फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन हर ईयर, वो इतना नजदीक है कि जो बैसी है वो उसकी सांसों को, हैरी की सांसों को अपने कानों तक महसूस कर सकती है। ही वॉज ट्राइंग टू अनकवर हर फेस, यहां पर जो हैरी है वो उसके चेहरे से उसके हाथों को हटाने की और उसके चेहरों के भावों को पढ़ने की कोशिश करता है। शी रेसिस्टेड, लेकिन वो पूरा विरोध करती है और अपने चेहरे से हाथ हटने नहीं देती है। ही लेट हर गो, और फाइनली हैरी उसके हाथों को छोड़ देता है। देन सडनली आज इफ शी हैड गॉट एनी मनी, और फिर एक बार वो टॉपिक चेंज करते हुए बिल्कुल अचानक कहता है कि अगर वो चेक करे कि क्या उसके पास में कुछ पैसे हैं। शी नोडेड क्विकली, वो हर शेम्ड फेस्ड हेड, वो अपने शर्म और लाली से अपने भरे हुए जो सर है झुकावा उसको हिला के कह देती कि हाँ उसके पास में पैसे हैं। ही वेटेड, वो थोड़ी दूरी पर खड़ा हो जाता है और इंतजार करता है। शी ट्राइड टू फाइंड द पॉकेट ऑफ हर ड्रेस, अपनी स्कर्ट की जेबों को जो बैसी है वो टटोलने लगती है। शी ऑफर्ड द मनी एंड आस्क्ड हैरी टू लीव फॉर गॉड सेक, वो अपनी जेब से पैसे निकालती है और हैरी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि भगवान की खातिर अब वो वहां से चला जाए। हैरी एक्सटेंडेड हिज हैंड, हैरी अपने हाथ आगे बढ़ा देता है। ही लुक्ड एट द कॉइन लेइंग इन हिज पाम, अ हाफ सॉवरिन, वो बैसी जो है उसके हाथ से वो पैसे ले लेता है और अपनी हथेली को खोलकर देखता है तो उसे वहां पर हाफ सॉवरेन, जो पुराने टाइम में, क्योंकि 1902 के आसपास की लिखी हुई स्टोरी है, 1902 के आसपास की, तो उस जमाने में जो पुरानी करेंसी चलती थी ब्रिटेन में, हाफ सॉवरेन अभी भी जो चल रहा है रेशो वो होता है 1 पाउंड। 1 पाउंड जो होते हैं उसमें 20-20 शिलिंग्स होते हैं, और 10 शिलिंग्स का एक हाफ सोवरिन हुआ करता था, एक सोने का सिक्का हुआ करता था। तो जब वो मुट्ठी खोलता है तो उसको उसके अंदर अपनी हथेली पर एक 10 पाउंड के बराबर का, यानी सोने का सिक्का दिखाई देता है। ही स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, बिना किसी हिचकिचाहट के वो फटाफट उसे अपनी जेब के हवाले कर लेता है। नेक्स्ट मोमेंट शी फेल्ट हरसेल्फ लिफ्टेड अप इन द पावरफुल एम्ब्रेस ऑफ हिज आर्म, लेकिन अगले ही क्षण में अचानक कुछ ऐसा घटता है कि बेसी को समझ नहीं आता है। अचानक उसे महसूस होता है कि जो हैरी है उसने अपनी बाहों में उसे बुरी तरीके से जकड़ लिया है और उसके जो पांव है वो जमीन से ऊपर उड़ चुके हैं, यानी उसने उसे अपनी गोद में उठा लिया है। हर फीट लॉस द ग्राउंड, ही शावर्ड किसेस ऑन हर फेस, और वो बेतहाशा बेसी के चेहरे को चूमने लगता है। हर पेल चीक्स, वो उसके मध्यम पड़े कमजोर पड़े गालों को चूमता है। हर हार्ड फोरहेड, उसके सख्त पड़े माथे को चूमता है। हर हैवी आईलिड्स, उसकी बोझिल हो चुकी, भारी हो चुकी, थकान से भर चुकी जो पलके हैं उनको चूमता है। एंड हर फेडेड लिप्स, और उसके रंग उड़े हुए मुरझाए हुए होठों को चूमता है। इनफैक्ट राइटर ने यहां पर जो वर्ड यूज करें उसको समझने की जरूरत है, जैसे कि उसने यहां पर कहा है पेल चीक्स, यानी कि जो उसके गाल हैं वो पूरी तरीके से पेल यानी कि कमजोर है, जैसे किसी बीमार के होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुशी नाम की कोई चीज उसके पास नहीं है। हर हार्ड फोरहेड, इसलिए क्योंकि उस जिंदगी में जब से उसकी मां मरी है तब से उसने अपने जीवन में तनाव के अलावा, चिंता के अलावा कुछ नहीं देखा है, इसलिए उसका जो माथा है वो हार्ड हो चुका है। हर हैवी आईलिड्स, वो इतनी थकी हुई है अपने विचारों से और अपने बाप की सेवा करते करते कि राइटर ने कहा है कि उसकी पलकें भार से बोझिल हो रही हैं। एंड हर फेडेड लिप्स, और कभी भी, क्योंकि उसे एक लड़की को जैसा प्यार पति से और किसी से मिलना चाहिए, प्रेमी से, क्योंकि उसे कभी भी नहीं मिला, तो उसके जो लिप्स हैं, उसके जो होंठ हैं, वो पूरी तरीके से रंगहीन हो चुके हैं। इनफैक्ट जबकि होने चाहिए थे लेकिन ऐसा नहीं है। इट वॉज एज इफ द सी ब्रेकिंग डाउन द वॉल प्रोटेक्टिंग ऑल द होम्स ऑफ द टाउन हैड सेंड ए वेव ओवर हर हेड,
उसके इस तरीके से उसे चूमने से बैसी के ऊपर एक ऐसा इम्पैक्ट पड़ा, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे मानो उसके घर के सामने जो समुद्र है वो घर के सारे मकानों को, पूरी बस्तियों को तोड़कर, उनको चकनाचूर कर उसके माथे के ऊपर पूरे समुद्र की जो लहरें हैं वो अपना कब्जा कर चुकी हैं। यानी उसे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि कुछ सेकंड के लिए ही उसने किसी भयानक तूफान का सामना करा। इट पास्ड ऑन, लेकिन ये समय भी गुजर जाता है। शी स्टैगर्ड बैकवर्ड, जैसी वो अपनी बाहों की जकड़ से बैसी को फ्री करता है वो लड़खड़ा के 2 कदम पीछे सरक जाती है, एग्जॉस्टेड, बुरी तरीके से थकी हुई, जैसे मानो उसकी पूरी जो एनर्जी है वो इन भावनाओं का सामना करने में लग गई। एज इफ शी हैड बीन स्ट्रैंडेड देयर आफ्टर ए स्टॉर्म, ऐसा लगा जैसे मानो किसी भयंकर तूफान ने उसको उठा के पटक दिया हो, एंड ए शिपरेक, और बिल्कुल ठीक उसकी हालत ऐसी थी जैसे किसी तूफान से थपेड़े खाए हुए टूटे जहाज की होती है। शी ओपन्ड हर आइज आफ्टर ए व्हाइल, अचानक काफी देर तक जब उसकी लज्जा, उसकी शर्म थोड़ी कम होती है तो वह आंखें खोलती हैं, लिसनिंग द फर्म लिजरली फुट स्टेप्स गोइंग, उसे बड़े ही मजबूत सदे हुए लेकिन आराम सुस्त साल से जाते हुए कदमों की आवाज आती है। शी बिगैन टू गैदर हर स्कर्ट, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करे या आगे बढ़े वो अपने अस्त व्यस्त हुए कपड़ों को संभालती है। सडनली शी डार्टेड थ्रू द ओपन गेट, अचानक न जाने उसे क्या होता है वो बिजली की गति से गेट को चीरती हुई बाहर की तरफ भागती है, इनटू द डार्क एंड डिजर्टेड स्ट्रीट, उस वीरान पड़ी और अंधकार से घिरी हुई गली में तेजी से आगे की तरफ भागती है, एंड शाउटेड स्टॉप डोंट गो, और चीख के कहती है रुक जाओ मत जाओ। प्रेजेंटली एवरी साउंड ग्रू फेंटर, लेकिन अंत में वहां से कोई जवाब नहीं आता, उसकी चीख की चिल्लाने की जो गूंज थी वो धीरे धीरे मद्धम हो जाती है, एज दाउ शी वॉज टर्निंग इन टू स्टोन, यहां तक कि बेसी भी इस तरीके से खामोश हो जाती है जैसे मानो वो किसी पत्थर के बुत में बदल रही हो। अ फियर ऑफ दैट ऑफुल साइलेंस केम टू हर, और आखिरकार फिर हमेशा की तरह सन्नाटे का जो खौफ होता है वो बेसी की तरह वापिस बढ़ता है, वर्स देन द फियर ऑफ डेथ, बेसी के लिए ये जो सन्नाटा था ये मौत के डर से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था। शी कॉल्ड अपॉन हर एबिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम द फाइनल अपील्ड हैरी, बट देयर वॉज नो साउंड, आखिरकार वो अपनी डूबती हुई ताकत को फिर एक बार इकट्ठा करती है और पूरी जोर से हैरी को पुकारती है, लेकिन पलटकर कोई भी आवाज नहीं आती, यानी कि वो जा चुका है। लास्ट पेज नंबर 19, अ विंडो रैन अप, अचानक दोबारा से एक खिड़की खुलती है पीछे कोठड़ी में, एंड इन द साइलेंस अ वॉइस स्पोक अबोव आवर हेड, और जो बैसी है उस अंधकार में और उस चुपचाप विराने में अकेले खड़ी होती है कि अचानक एक आवाज आती है, ये कैप्टन हैगबर्ड थे। हैगबर्ड आस्क्ड इफ द मैन वॉज गॉन इफ शी हर्ड हिम, वो ये पूछते हैं कि बैसी क्या तुम्हें उसकी आहट सुनाई दे रही है, क्या वो यहां से गया कि नहीं गया। बैसी ब्रस्ट इन टू टीयर्स एंड सैड दैट शी डिड नॉट हियर हैरी एनी मोर, बैसी बिलखती भी कहती है कि हाँ हैरी जा चुका है, उसे अब हैरी की कोई भी आहट नहीं मिल रही है। कैप्टन सेड ट्रायम्फली दैट शी फ्राइटेंड हिम अवे, कैप्टन हैडबर्ग खुशी से चिल्लाते हुए अपनी खिड़की से कहते हैं कि शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, वैसे ही तुमने उस मक्कार को डराकर भगा दिया, नाउ दे वुड बी ऑल राइट, और वो कहते हैं कि वैसे तुम चिंता मत करो, अब वो आदमी यहां से चला गया है और अब हम बिल्कुल ठीक रहेंगे, वन डे मोर, सिर्फ एक दिन का और इंतजार करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन द अदर हाउस, ये तो थी कैप्टन हैडबर्ग के घर की स्थिति, बगल में जो झोपड़ी थी, ओल्ड कारविल येल्ड फॉर बैसी, हमेशा की तरह वहां से उसी बूढ़े कारविल के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है बैसी के नाम की। शी हर्ड हिम एट लास्ट एंड एज इफ ओवरकेम बाय फेट बिगेन टू टॉटर बैक टू हर स्टफी कॉटेज, जैसे कि लगता है अचानक नींद में से जागी हुई बैसी अपने उस बाप के चिल्लाने और गाली बकने की आवाज सुनती है, और ऐसा लगता है जैसे मानो आखिरकार अपनी उस बदकिस्मती से भी वो उबर चुकी है, उसे पता है कि उसका जो अच्छा भाग्य था वो केवल कुछ के लिए हैरी के साथ आया था और वापस चला गया, तो ऐसा लगता है जैसे मानो वापस वो अपनी उस भयानक जिंदगी में लौट आई है, वो लड़खड़ाते कदमों से अपनी उस छोटी सी सामान से भरी हुई कोठड़ी की तरफ वापस चलने लगती है। शी डिड नॉट अंडरस्टैंड वेयर इन शी हैड सिन, उस बेचारी को समझ में नहीं आता आखिरकार उसने ऐसा क्या पाप किया है कि भगवान उसकी जिंदगी में हर अच्छे आने वाली चीज को उससे छीन लेते हैं, पहले उसकी माँ फिर उसके बाद में हैरी। इट वॉज एज इफ ऑल द होपफुल मैडनेस ऑफ द वर्ल्ड हैड ब्रोकन आउट टू ब्रिंग टेरर अपॉन हर हार्ट, उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मानो इस दुनिया के अंदर जो भी
उम्मीद, जो भी पागलपन बचा था, वो हर एक चीज अपनी सीमा को तोड़ चुकी है और इस दुनिया की हर एक जो बुरी चीज है वो केवल उसे डराने के लिए उसकी जिंदगी की तरफ बढ़ती जा रही है। विद द वॉइस ऑफ दैट ओल्ड मैन शाउटिंग ऑफ हिज ट्रस्ट इन एन एवर लास्टिंग टुमारो, उसे जो अब की बार कैप्टन हैगबर्ड की जो आवाज है जिसमें वो चिल्ला रहे थे कि आने वाला कल, आने वाला कल, उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी की हर जो अच्छी चीज है वो इस आने वाले कल की खातिर में, कभी ना आने वाले कल की खातिर में डूबती जा रही है और टूटती जा रही है। जोसेफ कोनाड की लिखी हुई स्टोरी है, तो वो कहानी के अंदर जो अलग अलग टाइप की चीज है और मेन चीज है आयरनी। आयरनी यानी हमने देखा था कि हमें लगा था कि जो कैप्टन हैगबर्ड है अगर वो बेटे का इंतजार कर रहे हैं तो जिस दिन उनका बेटा आएगा उनके साथ रहने लग जाएगा, लेकिन लास्ट में बिल्कुल अपोजिट हुआ। और जो हैरी हैगबर्ड था, और हैरी वो हमें यह भी बताता है कि कैप्टन जो हैगबर्ड थे, जिसे बेसी एक बहुत अच्छा, एक निरीह इंसान समझती थी, वो एक बहुत ही क्रूर बाप और एक अत्याचारी पिता निकला। तो इस तरीके से आयरनी इसमें ढेर सारी है, जो सिचुएशन हम शुरू में एक्सपेक्ट करते हैं वो लास्ट में जाके बिल्कुल अपोजिट निकलती है। और यहां पर जो बेसी है वो एक ऐसी कैरेक्टर बनके हमारे सामने आती है जो उस पैट्रियार्चल सोसाइटी में, जो काफी साल पहले इंग्लैंड में भी मौजूद थी इंडिया की तरह, वो हमें बताती है कि किस तरीके से जो बेसी थी वो सारी तरीके से रही थी अपने पिता के बीच में, अपने पागल मकान मालिक की भावनाओं के बीच में, और फाइनली एक बार उसे अंत में कोई प्यार करने वाला मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उसको छोड़ जाता है। और जो हैरी है, जिसको हम एक अच्छा आदमी बीच में समझने की कोशिश करते हैं, वो इतना धूर्त और मक्कार निकलता है कि इतनी बिचारी दुखी लड़की से भी पैसे लेके वो वहां से चला जाता है। सो आई होप चैप्टर सबको अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके सुनाई है, अदरवाइज 19 पेजेस बुक का मतलब है कि कम से कम 30-40 पेजेस में, तो शॉर्ट करके सुनाई है। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड न्यू वीडियोज। थैंक यू स्टूडेंट्स।